नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल फॉर एमआरएस रिपोर्ट ऑटोमेशंस। तो दोस्तों, आज के इस क्लासेस में हम आपके साथ एक प्रॉब्लम पे डिस्कशन करेंगे। छोटी सी प्रॉब्लम है लेकिन काफी ज्यादा दिक्कत देती है। ये प्रॉब्लम मिस्टर साहब सिंह फ्रॉम आगरा से मुझे व्हाट्सएप पे पूछा है। जी हाँ, व्हाट्सएप नंबर सामने दिया हुआ है। आप लोगों के पास कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, हम आपको उसकी पूरी सॉल्यूशन देंगे। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए, ताकि मेरे सारे वीडियोज या फिर आपके जो भी क्वेश्चंस हो वो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। और नंबर को आप जरूर एक बार स्टोर कर लें, और फेसबुक पे आप मुझे इसी नंबर से या फिर सुजीत कुमार डॉट आईपीटी से भी सर्च कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो आप किसी भी मीडियम से मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए सवाल के बारे में जानते हैं कि सवाल आखिर है क्या। तो यहाँ पे सवाल है, बहुत बेसिक सा सवाल है लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक नंबर आप है, जब मैं नंबर को डाउन में स्क्रोल करता हूं तो मेरा हेडिंग हाइड हो जाता है, और सेम उसी तरह से जब मैं इसको लाइट में स्क्रॉल करता हूं तो नेम हाइड हो जाता है। तो मान लीजिए मुझे अगर देखना है कि 51 किसका सेल है, तो मुझे यहां इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो चलो माउस से मैंने कर लिया, लेकिन काफी ज्यादा है यहाँ है, तो मैं अगर माउस से भी स्क्रॉल करूंगा तो 7230 जैन छुप जाएगा। फिर तो दिक्कत हो जाता है देखने में कि आखिर ये डेटा है तो किसका है। जो छोटी सी प्रॉब्लम है लेकिन मोस्टली लोगों के साथ आती है, बेसिक का ही पार्ट है, तो इसके लिए क्या करेंगे। चलिए इसकी सोल्यूशन पे हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो अगर आप कॉलम को शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप जो कॉलम को करना चाहते हैं उसके नीचे वाले रो को, जिस रो को आप फ्रीज रखना चाहते हैं, जो हेडिंग है आपका, उसके नीचे वाले रो पे आए, और आप व्यू के अंदर में आपके पास होता है फ्रीज पेंस कर दें। फ्रीज पेंस अगर आपने कर दिया या फिर फ्रीज पेंस ऑफ टॉप रो आपने कर दिया तो ये आपका, ये हाइड आपका। अगर टॉप रो कर रहे हो तो अब वापस अनफ्रीज करता हूं मैं यहां पे। अगर मैं टॉप रो यहां पे करता हूं तो मुझे सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो इसे क्या होगा कि मैं कितना भी नीचे क्यों करूंगा, हमारा नेम आपको यहां से फिक्स है, नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं स्क्रॉल यहां करूं तो फिर ये दिक्कत है। तो मुझे अगर फर्स्ट कॉलन भी करना है तो इसी में आप यहीं पे फर्स्ट फ्रीज फर्स्ट कॉलन कर दीजिए, ये आपका फर्स्ट कॉलन, लेकिन रो हट गया। तो सिर्फ रो कॉलन करना है तो फ्रीज फर्स्ट कॉलन कर दे, लेकिन मुझे दोनों करना है तो उस केस में मैं इस कॉलन के बाद और इस रो के बाद मैं कर्सर रखूंगा। मैं सिलेक्शन नहीं करूंगा, सिर्फ कर्सर रखूंगा और फिर करूंगा फ्रीज स्पेस। तो जहां पे कर्सर है वो एरिया आपका फ्रीज हो जाता है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों साइड से। अगर मैं इसको इधर भी स्क्रॉल करूं, अब देख रहे हैं, और नीचे भी स्क्रॉल कर रहे हैं तो आप, लेकिन याद रखिए जैसे आप फ्रीज पेंस करेंगे आपका स्क्रॉल बार रिमूव हो जाएगा। देखिए इसमें स्क्रॉल बार है बट इसमें स्क्रॉल बार नहीं है, ये फीचर है, ऑटोमेटिक स्क्रॉल बार रिमूव हो जाता है। तो मिस्टर साहिब सिंह, मुझे आशा है कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हो गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, और अगर आप मेरे साथ कंप्लीट एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट iptindia.com को विजिट कीजिए। वहां पे डेमो क्लासेस का फॉर्म भर दे या फिर मेरे रिकॉर्डेड पेन ड्राइव ले सकते हैं। जी हाँ, मेरे पास दो तरह के मोड है, एक है ऑनलाइन लाइव क्लासेज जो कि हम जूम ऐप के थ्रू लेते हैं, और दूसरा है हमारा रिकॉर्डेड सेशन जो कि आप पेन ड्राइव की मदद से परचेज कर सकते हैं। और एक चीज और हम लोग बताना चाहेंगे कि मैं खासकर कुछ बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं, उनकी पढ़ाई में मैं मदद करता हूँ। मैं अपने इनकम का 10% ईयरली उनको डोनेट करता हूँ, और किसी एनजीओ को नहीं, हम खुद जाके उनको कॉपी किताब और उसकी स्कूल की फीस वगैरह भरते हैं। अगर आप भी मुझे इस मुहिम में सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेटीएम नंबर से मुझे इस नंबर पे
जो भी डोनेशन आप पेटीएम करना चाहते हैं वो मर्जी से आप पेटीएम कर सकते हैं। मैं आपके दी गए पेटीएम पैसे से जिस बच्चों को मैं स्टडी मटेरियल्स उनकी फीस वगैरह भरूंगा, तो मैं आपको उसकी रिसीविंग एंड उसका फोटो जरूर भेजूंगा। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं हेल्प टू एजुकेशन में, तो पेटीएम के थ्रू मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप मेरे साथ अगर क्लासेस भी लेते हैं, फिर भी मैं 10 आपका फीस का 10% मैं डोनेट तो कर ही दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।